तो अच्छा, जान दे आगे का एमी ये भी है कि आपने बड़ी प्रैक्टिस करी है इस गाने के लिए, हमने सुना है। नहीं मतलब जानी बी प्रैक के गाने के में प्रैक्टिस करनी पड़ती है मेरे को। अच्छा, क्यों? बीट सॉन्ग है, एक तो सीखा नहीं गई मैं, सीखा नहीं हो मैं, और बीट सॉन्ग है तो सेम काइंड ऑफ सेम कॉम्पोजिशन होती है, स्केल होता है दूसरा तीसरा, मतलब हाई पिच पे गा लेते हैं बिना प्रैक्टिस किए। तो एक मतलब लो पिच पे गाना है, फील के साथ गाना है, और सबसे बड़ी बात यह है बी प्राक जी पहले खुद गाते हैं वो हम 10-15-20 दिन सुनते हैं। काफ़ी बंदे ऐसे करते होंगे जिनके साथ जानी उन्हें सब गाने करते हैं, तो 10-15 दिन गाना सुना और उसके बाद खुद को जेन्युइनली इस बार डर लगा मेरे से गाया जाएगा या नहीं गाया जाएगा। अगर मेरे से नहीं गाया गया तो वो खुद गाएंगे, वो मेरे को बेइज्जती फील होगी। गाने को तो मैं 6 के 6 गाने गा सकता था, अम्मी गाने को छोड़ के 6 के 6 गा सकता था, इतनी मतलब इतनी रेंज में हूँ मैं, गा सकता हूँ और बढ़िया भी गाऊंगा। लेकिन मेरे को लग रहा था इनका सबका डिसीजन है, बड़े भाई हैं, इनको पता है क्या चीज़ किसके मुँह से कौन सी बात जचेगी या पंजाबी में फब्बेगी। सो दैट्स वाई मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन एक आध गाना तो मेरा भी मन था यार, मैं कि मेरी फिल्म में मेरे को गा लेने दो, एक आध गाना तो गाने दो। तो बी प्राक जी को लगा नहीं था पीएम ही गा लेगा, तो मैं गाया गाना और नेक्स्ट डे जानी ने तो सेम डे बता दिया था, बहुत अच्छा लगा। जग्गी भाजी को भेज दिया था गाना, बी साइड भी मेरे को बढ़िया लगा। तो नेक्स्ट डे बी प्राक जी ने सुना, उन्होंने भी बोला कि यार एमी भाजी ने बहुत बढ़िया गाना गाया। सो फिर मैंने उनको बोला यार मैंने तारा गाना भी गाया, वो कितना डिफ़िकल्ट है, किस्मत गाया, हाथ चुम्मे गाया, बैगा हंजू वाला दरिया वो गाया, कितने गाने गाए हैं भाई, मैं गा लूँगा डोंट वरी। उन जो नेक्स्ट फिल्म होगी तो मैं शुरू से प्रैक्टिस करूँगा सारे गानों की, एक आध दूंगा बस गाने के लिए उनको। पर ऐसे आप पे शक क्यों था उनको? आप तो काफ़ी क्लोज निटेड हो यार। नहीं, जब मतलब बहुत ही खूबसूरत गा दिया ना बी प्राक जी ने, तुमको बीट करना। फॉर एग्जांपल हम अभी किस्मत है, अगर किस्मत 2 या कोई और फिल्म करते हैं वैसे मुकाबले भी, तो कितना डिफिकल्ट होगा खुद की फिल्म को बीट करना। या मतलब बी प्राक जी ने इतना अच्छा गाया, उससे बेटर क्या गाऊं, तो उसके लिए थोड़ा डर था। अच्छा, आप मेरे को ऐसा लगता है कि जानी और बी प्राक के साथ आपकी एकदम साठ-गांठ है, एकदम याराना है। ये जानी जो कर रहे हैं मतलब एक के बाद एक हिट देते जा रहे, क्या है ये? मतलब ये एक फेज चल रहा है या ये मतलब हमेशा ही गाने सोचते रहते हैं? बिकॉज आप रेंज देखो कि एक यंगस्टर को जिसको नाचना है वो भी जानी का गाना गा रहा है, जिसको रोना है वो भी जानी का गाना गा रहा है, जिसको प्यार करना है वो भी जानी का गाना गा रहा है। तो जानी क्या खाते हैं, कुछ ऐसे कोई डाइट है? जानी का जमाना चल रहा है जी, है? लोगों का टाइम चलता है, उसका दौर है, अभी जमाना है और वो चलता रहेगा। अच्छा, अलग अलग टाइप के सिंगर्स पंजाब में आते हैं, सब आते हैं। हमारा भी टाइम है, चला गया है, चला गया ऐसा है। तो उसकी कैटेगरी अलग है, उस कैटेगरी में कंपटीशन ही नहीं है, उसके मुकाबले का ही कोई नहीं है जानी के। और आप देखिए मतलब बी प्राक जी राइट नाउ ऑलमोस्ट नंबर 1 है इंडिया से फिलहाल। गाना कितना फास्ट है, 600-700 मिलियन हुआ है उसका, और बिलियन हो जाएगा जल्दी। उसके बाद पार्ट 2 अनाउंस हुआ है, मैं भी हूँ उसका पार्ट। बस ये तो जानना था, ये जो आपने बता दिया। हाँ, मेरे यार दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया था, मैं कहा आ जाऊँगा, मगर कर तो मेरे को जलील ही रहे हो वीडियो में, हो जाऊँगा और क्या है। तो आपके लिए जान हाजिर। तो मतलब बहुत ही अच्छे बंदे हैं। अभी तो जगदीप के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, तो मेरे को लोग पूछते हैं अभी तुम करते हो अप्रोच फिल्म के लिए, या मतलब और किसी को गाने नहीं गा के देते हो, मतलब और किसी भी फिल्म के लिए गाने नहीं देते हो। हम मतलब हमारी फिल्म के लिए खुद उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, स्क्रिप्ट के लिए भी या मतलब गानों के लिए भी। ये बंदा गाएगा, ये बंदा गाएगा, मतलब पैसे भी दूसरों से मतलब हमसे कम लेते हैं दूसरों के अकॉर्डिंगली वो। लेकिन जनरली उसने रेवोल्यूशन या राइटर्स की जो होती है ना वो बुक्कत की कहते हैं वैल्यू, उसने बताई है अभी राइटर क्या चीज़ होते हैं जनरली। राइटर को तो प्यार करता ही है बंदा, तो जनरली बहुत बड़ा टैलेंट है। तो सारा दिन गाने लिखते हैं। हाँ, मैं वही जानना चाहती हूँ कि सारा दिन गानों पे काम करते हैं। अभी घूमने भी गए हुए हैं ना, तो गिटार वाला रोमाना जो हमारे गाने कंपोज करता है, उसमें हेल्प करता है। कंपोज तो जानी खुद करता है, वो गिटार बजाता है साथ में और एक बीट दे देगा, कोट्स दे देगा, फिर ऐसे ऐसे करके बजा, और वो बजती रहेगी गिटार, वो गाने लिखता रहेगा, बजती रहेगी गिटार, गाने लिखता रहेगा। फन में भी, सोते हुए भी दिमाग चलता है ऐसे, और मतलब पता ही इज़ अ लेजेंड। मोबाइल में रिकॉर्ड करता रहता है 24 घंटे। कोई लाइन आ गई रिकॉर्ड कर लिया, कुछ आ गया रिकॉर्ड कर लिया। शायरी सुनी, कॉम्पोजिशन सुनी, अलग अलग नए मतलब बीट सुनी नई। तो गाने सुनता बहुत है, मतलब लोगों को, दूसरे राइटर्स को, या जो पहले जो गाने आए हुए हैं, तो बाकी राइटर शायरों बहुत सारे शायरों को सुनता है वो। अच्छा,